हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये आईआर सेंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आईआर सेंसर जो है वो आर्डुइनो में काम आता है। इसके अंदर तीन जो पिन्स होते हैं वो होते हैं, एक होता है ग्राउंड, एक होता है 5 वोल्ट और एक होता है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट पे जो हमें उसका आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट जो भी रहता है हमारे उसका, तो ये 300 मिलीमीटर्स के अंदर की रेंज जो हमारा जो है 300 मिलीमीटर्स की रेंज तक ही काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है। बहुत ही कम डिस्टेंस रहता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक आपका सेंस कर सकता है। ये कम डिस्टेंस तक सेंस करता है क्योंकि इसके अंदर बस रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं। तो ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं वो ट्रांसमीटर जो रिसीवर है वो है, और ये वाला जो दूसरा वाला है वो ट्रांसमीटर है। तो इस तरह से ये काम करता है। बहुत ही इजी इसको समझना है, आपको समझा देता हूँ। इसकी पिंस तो मैंने आपको समझा दी, ये इसकी पिंस है। आपका जो होगा आईआर सेंसर, इसको आईआर सेंसर के साथ साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बोल सकते हैं। तो आपका जो ये आईआर सेंसर होगा वो या तो ऐसा भी दिख सकता है या फिर दूसरा तरह का जो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा भी आता है, तो आपका ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉक्सिमेट आप देख सकते हैं, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर में एक पोटेंशियोमीटर लगा है। पोटेंशियोमीटर एडजस्ट करने के लिए कि कितना डिस्टेंस ये सेंस करेगा, तो आप एडजस्ट कर सकते हो कितना आपको सेंस कराना है। आप इससे बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे कि आप इससे लाइन फॉलोअर रोबोट भी बनवा सकते हो, जो लाइन फॉलो करता है वैसा रोबोट, क्योंकि ये जो ब्लैक चीज होती है उसको डिटेक्ट नहीं करता है, ये ब्लैक चीज को कभी डिटेक्ट नहीं करता है। तो आप चाहो तो देख सकते हो, घर में ट्राई कर सकते हो। आपको जो है 5 वोल्ट में अटैच कर देना है ऑर्डिनो के, और जो ग्राउंड है वो आपको ग्राउंड में अटैच कर देना है, लेकिन आपको जो आउटपुट है वो कनेक्ट नहीं करना है। तो जब आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक लाइट जो रहती है, आपकी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, तो वो लाइट जो होती है जैसे ही वो डिस्टेंस में आएगा आपका हैंड या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो सेंस कर लेगा। लेकिन अगर आप कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट लगाओगे तो वो सेंस नहीं कर पाएगा। तो आप अब घर में भी देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और